अच्छा, फॉर्म जो चॉइस फिलिंग करनी है उसमें कुछ गलतियां हो रही हैं, तो टेंशन नहीं लेना, सभी का सोल्यूशन गुरु नानक यूनिवर्सिटी ने रखा है। ये क्वेश्चन है सर, बिना कोई कॉलेज सिलेक्ट करने से पहले लॉक हो गया हो तो अनलॉक कैसे करूं? आप नहीं कर सकते, मेरे सुजेशन मुताबिक आप ये जो दिया गया है ईमेल pbb@admissions2022@gndu.ac.in इनको मेल करनी है। आपने ये बताना है जो कि आपसे बाय मिस्टेक वो लॉक हो गया है और मैंने वो चॉइसेस फिल करनी है, काइंडली उसको अनलॉक कर दीजिए, और साथ में अपना फोन नंबर, ईमेल और रजिस्ट्रेशन नंबर जहां जो भी एनरोलमेंट नंबर आपको मिला है वो साथ में जरूर लिख लीजिए। ब्रीफ में सिर्फ 2 sentences ही लिखिए, उससे अधिक टू द पॉइंट मेन बात कीजिए, तो क्योंकि उनके पास बहुत ईमेल्स आती हैं, तो दैट इज वाई उनको आप 10% भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो अगर 100 जो उन्होंने दी तो देखिए कितनी परसेंट कितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन उनको रीड करनी पड़ रही है। टू द पॉइंट बात कीजिए, आपका काम हो जाएगा, टेंशन नहीं ले। वीर सिद्धू जी बोल पूछ रहे हैं सर, मैं ना BA विच हिस्ट्री इलेक्टिव पंजाबी, ये पेन ले लूं साथ में? अच्छा रहता है पेन को साफ रखना, टीचर को तो रखना चाहिए। आप हिस्ट्री के हो गए, इलेक्टिव पंजाबी वेरी गुड, फैशन डिजाइनिंग आपका स्कूल का नहीं है, एडिशनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी भी किया है, वेरी गुड, आपका सोशियोलॉजी और हिस्ट्री बहुत अच्छा बन रहा है, भी लिए हैं तो मेरे एग्जाम भी हो गए ने, MA हिस्ट्री की है, वेरी गुड, तो आपका बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। मेरी एकेडमिक डिटेल विच कैफे वालों ने सोशियोलॉजी एडिशनल नहीं किया, तो SST सब्जेक्ट लेना है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन जलंधर विच कैफे वाले ने बस जनरल पंजाबी, नहीं ये हाँ गलती हो गई है, ये नहीं फिल करना चाहिए आपको। देखिए दो ऑप्शन है आपके पास, मेंशन करता था सर को गवर्नमेंट कॉलेज विच मिल जाएगी सीट, कोई सोल्यूशन है? देखिए आपने गलती तो कर ली है, देखिए कैफे वाले से हेल्प लीजिए, उनका रोजगार है चलना चाहिए, टेक्निकल हेल्प लीजिए, डिसीजन अपना लीजिए ना, माइंड अपना लेके जाओ, इतनी मैं क्यों इतनी गर्मी में लाइट देखिए कितनी ऊपर है, फैन मैंने ऑन नहीं किया हुआ, रात को इतनी गर्मी में कर रहा हूं, इसीलिए कि आप डिसीजन ठीक ले लो, तो आप डिसीजन कैफे वाले के साथ पास अपना लेके जाओ, उनको बस टेक्निकली कहो ये भैया ये फिल करना है, ये फिल करना है, आपने ये गलती की है, ये बाकियों के लिए मैसेज है, कैफे वाले से सिर्फ तो सिर्फ उनके पास एक्सपर्ट नॉलेज नहीं हो सकती, ये बात मान लेना, तो ये आपको करना क्या है, ये तो एक तो हो सकता है कि सेकंड काउंसलिंग भी आप वेट कर लीजिए, एक 24th को डिस्क्रिपेंसीज होगी, आपने अगर एक्टिविटीज देखी है, मैं दिखा देता हूं जो रिवाइज शेड्यूल आया है एक्टिविटीज का, 24th अगस्त को आपको डिस्क्रिपेंसीज है, उसमें आप ये कर सकते हो कि मेरे से ये गलत फिल हो गए हैं। तीसरा, आप यूनिवर्सिटी को ईमेल कर सकते हो, ऊपर ईमेल एड्रेस दिया गया है, मैं आपको दिखा ही देता हूं, यहां पर ये रहा pbb@admissions2022@gndu.ac.in पर आप मेल करके उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये मैं चेंज करना चाहता हूं, काइंडली इसको अनलॉक कर दीजिए, आप चेंज कर सकते हैं, तीन ऑप्शन आपको बता दिए, पहला स्टेप आपका ये है, ठीक है, दूसरा आपका है कि ये जो देखिए 24th अगस्त 2022 वेंसडे को 5 बजे तक ये रिपोर्टिंग ऑफ डिस्क्रिपेंसीज ऑनलाइन थ्रू ईमेल ओनली, अब ये क्लियर नहीं है कि कैसी डिस्क्रिपेंसीज को ये करेंगे अटेंड, ठीक है, तो दैट इज वाई फर्स्ट वाला आपका ये बेटर सोल्यूशन है कि आप उनको मेल कीजिए, उसके बाद ये भी अप्लाई कीजिए, तीसरा स्टेप है कि आप सेकेंड काउंसलिंग में जब दोबारा चॉइस फिलिंग फिल करनी है तो आप काइंडली करेक्ट कीजिए, कॉलेज में आ जाइए, आप जलंधर के हो, मैंने फोन नंबर दिया है डॉक्टर अर्जेंद्र सिंह का, इसके नीचे लिंक भी मे बी डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में भी दिया गया होगा, उनसे बात करके आप गाइडेंस ले सकते हैं, उनके कॉलेज में जाके फिल कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा गाइड करके आपके डॉक्यूमेंट चेक करके करेंगे, तो आप सेकेंड काउंसलिंग में ऐसा कर सकते हैं।